Ganesh Institute. My name is Divya Gautam. Today we will learn something about simple interest, simple and compound proposition, which is the topic of discrete mathematics. So let's begin. So before doing that, उसे करने से पहले हम पहले homework के कुछ questions के answer देख लेते हैं जो मैंने आपको last प्रीवियस वीडियो में दिए थे. ठीक है, सो द इसको बताना है ये सेंटेंस क्या स्टेटमेंट है, प्रोपोजिशन है या नहीं. सो सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी. इसको ना तो हम हाँ से बोल सकते ना से बोल सकते, तो यूनिवर्सली इसका कोई आंसर नहीं है. सो ये स्टेटमेंट नहीं कहलाएगी, तो ये प्रोपोजिशन भी नहीं है. ओके, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये स्टेटमेंट है बिल्कुल एंड इट इज ट्रू ऑल्सो. सो इसलिए स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट क्या होती है, या तो यूनिवर्सली ट्रू हो या फिर यूनिवर्सली फॉल्स. ओके, यू शुड वर्क हार्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है, सजेशन है, कोई स्टेटमेंट नहीं है. सो नॉट स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना तो हम ट्रू में कोई आंसर दे सकते हैं ना फॉल्स में आंसर दे सकते हैं, ये सिर्फ सिंपली एक स्टेटमेंट है, सजेशन है, इसलिए स्टेटमेंट नहीं है. ओके, क्योंकि ये सजेशन है इसलिए स्टेटमेंट नहीं है. ओके, सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज इवन, सो इट इज स्टेटमेंट टू. दो ऑड नंबर ले लेते हैं, वन प्लस वन, क्या ये टू दे रहा है, इवन नंबर, राइट. नाइन प्लस नाइन, क्या इवन नंबर दे रहा है, एटीन, राइट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फोर प्लस फाइव इज नाइन, बट अगर क्वेश्चन में टेन आ जाए या ट्वेंटी आ जाए, थर्टी आ जाए, तो स्टेटमेंट यूनिवर्सली फॉल्स होगी. अगर नाइन आता है तो स्टेटमेंट यूनिवर्सली ट्रू है, चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, अगर यूनिवर्सली है देन दिस विल बी योर स्टेटमेंट. ओके, चेन्नई इज कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, सो दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट. आगे ट्राई करेंगे तो आप बता सकते हैं इजीली कि स्टेटमेंट होगा या नहीं होगा. इट इज वेरी कोल्ड टुडे, हो सकता है किसी कंट्री में कोल्ड हो, किसी स्टेट में कोल्ड हो, किसी में ना हो. सो यूनिवर्सली ट्रू नहीं है तो ये स्टेटमेंट नहीं है, यूनिवर्सली फॉल्स नहीं है तो भी स्टेटमेंट नहीं है. ओके, इट इज वेरी कोल्ड टुडे एज द टेम्परेचर इज जस्ट 4 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से आज बहुत ज्यादा ठंड है. सो नेक्स्ट, आज का टॉपिक है हमारा सिंपल एंड कंपाउंड प्रोपोजिशन. सो जैसे इंग्लिश में सेंटेंसेस होते हैं ना, सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस. क्या पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंस में, जब दो सेंटेंस जोड़ के किसी कनेक्टर से एक सेंटेंस बनाया जाए उन्हें बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस. और सिंपल सेंटेंस जो सिंगल सेंटेंस होते हैं जो सिर्फ एक ही मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट. जैसे आई एम गोइंग, आई एम डूइंग माई वर्क, सो दोनों ही सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस. सेम प्रोपोजिशन में भी यही है, स्टेटमेंट हो अगर वो सिंगल सेंटेंस की है, कोई कनेक्टर्स नहीं है, तो वो सिंपल प्रोपोजिशन. और अगर स्टेटमेंट दो या दो से ज्यादा है, कनेक्टर से कनेक्टेड है, तो वो कंपाउंड प्रोपोजिशन बन जाती है. अ सेंटेंस विद नो लॉजिकल कनेक्टिव्स इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस. जिसमें कोई लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होंगे अभी आगे पढ़ेंगे, नहीं होता उन्हें सिंपल प्रोपोजिशन कहते हैं, प्रोपोजिशन. ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं, दो एग्जाम्पल हैं हमारे पास सिंपल प्रोपोजिशन के. क्यू माना है हमने, क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है टू इज द प्राइम नंबर. ओके, सो ये भी हमारा सिंपल प्रोपोजिशन है. नेक्स्ट क्यू, क्यू गिवन है यहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. सो ये भी क्या है, सिंपल प्रोपोजिशन. सो नाउ कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होती है देखते हैं. वेन टू और मोर सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट्स, जब दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स कंबाइन की जाती हैं किसके साथ, लॉजिकल कनेक्टिव्स के साथ, तो एक सिंगल प्रोपोजिशन फॉर्म होती है. ठीक है, दीज स्टेटमेंट्स और इन स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रोपोजिशन. ओके, देखिए यूनियन बोलें, जे फॉर ज्वाइन बोलो, मैंने बताया था ना जे जैसा दिखता है, सो यू ऑलवेज रिमेंबर, इसे भी ज्वाइन बोलते हैं.
ज्वाइन ऐसे भी लिखा जाता है और यूनियन से भी लिखा जाता है, तीनों ही करेक्ट है. ओके सो यहाँ पर पी यूनियन क्यों किया गया है, पी ज्वाइन क्यों किया गया है, जो कि बोला गया है ईदर टू इज प्राइम. मैंने बताया था ना जब यूनियन आता है तब और से कनेक्शन होता है, तो या तो ट्रू प्राइम होगा या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस होगा. इसका मीनिंग नहीं निकालना आपको, बस पी एंड क्यू जो दो स्टेटमेंट थी उन्हें ज्वाइन से जोड़ देना है, यानी और लगा के जोड़ देना है. सो ईदर टू इज प्राइम नंबर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. ओके आता है दिस इज इंटरसेक्शन, इसे ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं, और इसे मीट भी बोलते हैं. मीट ऐसे याद कर लीजिए, एम में क्या होता है, यहाँ पर माउंटेन्स टाइप बन रहा है ना, और यहाँ पर भी सेम बन रहा है. तो यानी इंटरसेक्शन हुआ, मीट हुआ, या ये वाला साइन हुआ, तीनों का सेम मीनिंग है. ओके सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पर पी एंड क्यू को किससे जोड़ना है, मीट से. ओके यानी एंड लगेगा. तो देखो इंटरसेक्शन ऐसे बनता है और एंड लिखते भी तो ऐसे ही हैं. सो कॉमन दिख रहा है आपको कुछ, आप भूलेंगे नहीं आई होप, कि एंड ए ऐसे फॉर्म हो रहा है और इंटरसेक्शन भी ऐसे फॉर्म हो रहा है. ओके तो याद रखना है एंड से कौन कनेक्ट होता है, मीट या इंटरसेक्शन या फिर ये सिंपल जो आपको दिख रहा होगा पी एंड क्यू के मिड में. ओके सो ये रहा, टू इज अ प्राइम नंबर, ये पी था हमारा, क्यू था, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. ओके तो इसे कनेक्ट किससे कर दिया, एंड से. ओके सो नेक्स्ट सिंबल इज लाइक दिस, इक्वल्स टू और एक एरो, ठीक है. पी टेंस टू क्यू, इसका मतलब होता है इफ एंड देन. सेंटेंस में आपको इफ लगाना होगा फिर देन से कनेक्ट करना होगा. दूसरा स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट किससे कनेक्ट होंगी, इफ एंड देन से. इफ टू इज अ प्राइम नंबर, ये पी था हमारा, देन क्यू से कनेक्ट कर दो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. सेम ये वाला जो साइन होता है, जो सिमिलर हमने पढ़ा था अपने स्कूल डेज में, ये यहाँ पर नेगेशन का साइन है, यानी नेगेटिव. जो पी है उसका उल्टा लिखना है आपको, टू इज नॉट अ प्राइम नंबर, या फिर ऐसे कह सकते हैं इट इज फॉल्स टू से टू इज अ प्राइम नंबर. ओके दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे. अगर क्यू का नेगेशन हुआ, यहाँ पर देखो गिवन है क्यू, नेगेशन, नेगेशन का साइन याद रखना है, ऐसे बनता है. इट इज फोर्स टू से दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, या तो ये लिखिए या फिर ये लिख दीजिए मेल्टिंग ऑफ आइस इज नॉट 0 डिग्री सेल्सियस. तो दोनों सेंटेंस ही आपके एब्सोल्यूटली करेक्ट है. सो इट इज द एंड ऑफ वीडियो. आपको बस ये बताना है कि ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है और इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, कंपाउंड स्टेटमेंट. आप हमेशा याद रखिए आपके टाइम से ज्यादा इम्पॉर्टेंट एंड आपके ब्राइट फ्यूचर से ज्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है. कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सब्सक्राइब करिएगा ये चैनल. थैंक यू सो मच.